नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सिलगुड़ी मंडी में। तो आज भी मौसम पूरा क्लियर है, देख सकते हैं। तो आज गाड़ियों की भी बड़ी अच्छी धूम है और आम में भी बड़ी धूम मची हुई है। उधर आप देखिए कितनी सारी गाड़ियां आई हुई है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले यहां देखते हैं कि यहां कौन सा आम आया है और क्या भाव आया है और किस तरह की बिक्री चल रही है। क्योंकि आज देखने से पता चल रहा है बिक्री बहुत तेज़ है आज, क्योंकि मौसम साफ होने की वजह से बिक्री में तेज़ी आई है और आसाम का भी रास्ता खुल चुका है, इसके वजह से भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं आज का आम का भाव कौन सा आया है। आम यह है सूरमा फजली, इसको आप अपने हिसाब से हल्क मैंगो भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। देखिए कितना बड़ा मैंगो है ये, हमने तो इसका नया नाम निकाल दिया है हल्क मैंगो, बाकी है ये सूरमा फजली। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते, क्या हाल है सर? बस ऊपर वाला का दुआ। तो क्या भाव चल रहा है आज काम का, क्या पोजीशन है आज? सुपर फजली आया, इसको बोला जाता है सूरमा फजली। सूरमा फजली तो ये आज बाजार है 32 रुपया। 32 रुपया, कहाँ का माल, कहाँ होता है सूरमा फजली? ये मालदा में होता है, फजली के लिए मालदा। फजली के लिए मालदा। मालदा तो क्या कुछ खास होता है इसके अंदर फजली में? ये स्वाद में बहुत डिफरेंस होता है, स्वाद में डिफरेंस बहुत डिफरेंस होता है। मिट्टी का सवाल है, मिट्टी का जहाँ पर जो मिट्टी है वो है, वो मिट्टी का हिसाब से फसल का स्वाद निकालता है। ओ, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होता बहुत है, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा होता है। इसका फजली के बजाय इसका हल्क नाम क्यों नहीं रख देते, इतना मोटा मोटा होता है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये तो हम लोग ने नाम नहीं रखा, ये तो पुरखों ने नाम रखा है। लेकिन मैंने अपने चैनल के ऊपर इसका नाम रख दिया हल्क मैंगो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये तो आपका बात, लेकिन इसके ओरिजिनल नाम है सूरमा फजली। सूरमा फजली, हाँ नाम सुना है सूरमा फजली। हाँ, बड़ा अच्छा है। लेकिन आपसे जान करके अच्छा लगा कि किस तरह का आम है ये। चलो आज के प्राइस के लिए धन्यवाद। देखते आगे चलते हैं, आगे भी आम की धूम लगी हुई है, बड़ी मस्त भीड़ भी है, मतलब बिक्री में बहुत तेजी है आम के अंदर। और आगे लीजिए मालिक, आप भी लीजिए। आम में तेजी लग रही है क्योंकि दो दो गाड़ियां खड़ी है, देखते हैं कौन सा आम आया। यह है दशहरी, दशहरी आम आया हुआ है, अलग अलग क्वालिटी का है। सेठ जी से जानेंगे क्या भाव है आज इसका, लंगड़ा भी है शायद ये। अब सबसे पहले तो सारे आम देख लीजिए, फिर इनके भाव जानेंगे क्या भाव है। तो आम तो अपन ने देख ही लिए, बिक्री भी अच्छी चल रही है, देखिए भीड़ बड़ा का अच्छा है। और ये गाड़ी आई हुई है इनकी, इसमें शायद मिक्स तरह के आम है, लंगड़ा दशहरी सभी है। तो देखने में भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। नमस्कार सेठ जी। सेठ जी नमस्ते, क्या पोजीशन आज की? नमस्ते भैया, बोल रहा हूँ कि आज का पोजीशन है गुलाब जामुन का, और मार्केट में जो कल रेट था उससे 2-3-4 रुपए ज्यादा है। ज्यादा है यार। हाँ, गुलाब जामुन आज कल बिका 30-32, आज बिक रहा है 35-35 रुपए, मतलब डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। डिमांड बढ़ी है। आसाम का रास्ता पूरा खुल गया क्या? नहीं नहीं, 50% खुल गया। 50% खुल गया है। और दशहरी है आपका 40-42। दशहरी में जैसे बहुत अलग अलग टाइप की क्वालिटी दिख रही है, 45 का भी है मोटा साइज का, मोटा साइज का 45, और छोटा साइज मांग रहे 45 बिक रहा है, छोटा साइज वाला का है 40 रुपए। और लंगड़ा है मीडियम वाला, उसका दाम है 45 रुपए। आज का भाव मतलब यही चल रहा है, यही चल रहा है। यूपी का ही है, सारणपुर का ही माल आ रहा है। हाँ। तो आगे क्या पोजीशन लगती आगे है? आगे पोजीशन और बढ़ेगा, दो चार रुपया और बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा। अगर मौसम साफ रहा तो, मौसम साफ रहा, बारिश नहीं हुआ तो रेट बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ता। चलो धन्यवाद आज का प्राइस देने के लिए सर। तो भाइयों आज तो आम की पेटियां ही पेटियां हैं दोनों साइड के अंदर। दूसरी साइड चलते हैं, देखते हैं कौन सा आम आया है और क्या भाव है। यहाँ पे भी अलग अलग तरह के आम हैं, ये तो शायद लोकल आम लग रहे हैं यहीं के, मतलब बंगाल के ही आम, बाकी देखते हैं क्योंकि हमसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं कि किस तरह का आम है और कौन सा आम है और क्या भाव है। और आज बिक्री अच्छी है क्योंकि मस्त भीड़ है, मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है।
नमस्कार सेठ जी, क्या खबर? बढ़िया। आज तो बिक्री बिक्री ठीक लग रही है? आज बिक्री बहुत मस्त है। मतलब अमावसी लगा है ना? हाँ, अमावसी मेला। गुवाहाटी में जो पूजा होता है कामाख्या, हाँ, अमावसी मेला लगा। क्या होता है, बंगाली लोग कुछ कुछ जो मानते हैं वो रोटी खाते हैं 5 दिन। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। इसके कारण डिमांड बढ़ गया, बारिश में कोई माल तोड़ा नहीं, मंडी में आमदनी हुई नहीं। और मौसम का भी कुछ असर होगा? मौसम भी बहुत तगड़ा हो गया, धूप धूप निकल रहा है, तो मतलब तेजी रहेगी। तो आज कौन सा आम क्या भाव बेच रहे? आज लंगड़ा बेचा 65-70 रुपया। 65-70 रुपया हो गया जी। और नरम क्वालिटी जो है माला वाला वो बिक रहा है आपको 50-52 रुपया। और वो जो और यूपी वाला जो है वो खा के गला खसखसाएगा, खांसी आएगा, वो वाला खाइए 40 रुपया किलो मिलेगा। 40 रुपया तो आदमी समझेंगे नहीं, वो भी आम ही है लंगड़ा। और जो बीच में आपके पास हिमसागर वगैरह आ रहे थे वो सब, वो उसका सीजन ऑफ, अब फिर अगले साल, अब अगले साल आएगा, अब भी नहीं आएगा। मतलब अभी जो ये लंगड़ा वगैरह है यही, अब लंगड़ा लखना चौसा दशहरी यही चलेगा। हिमसागर अब पिछले साल खाना पड़ेगा। अच्छा, हिमसागर अब अगले साल जाएगा, नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट ईयर। तो आज का भाव यही था? जी जी, यही था। चलो धन्यवाद भाई साहब आज का भाव देने के लिए। 20 रुपया। ये भाई साहब आम बेचते हैं, पूछते हैं इनसे आज खाली क्यों है और किस वजह से इनके पास आम नहीं आया हुआ। क्या हुआ भाई साहब, खाली कैसे हो? आप तो हमेशा आम बेचते रहते हो। इसलिए कि जिस मुकाम से काम चल रहा था उस मुकाम का माल खत्म हो चुका है। अच्छा। ठीक है ना, और कल से स्टार्ट होगा दूसरा मुकाम, दूसरा फार्म से स्टार्ट हो जाएगा कल से फिर से कंटिन्यू काम चलेगा। और बाजार तो बहुत ही टाइट है, सब जगह देख ही रहे हैं। तो आपके आसाम से माल बेचते हैं क्या? आसाम माल जाता है मगर अभी जा नहीं रहा है, बारिश के लेकर उधर भी पूरा बंदी बोल रहा है लोग, तो जा नहीं रहा है। सुनने में आया गुवाहाटी का रास्ता खुल चुका है ऑलरेडी। गुवाहाटी का खुल चुका है तो फिर लोडिंग होगा, अभी तो मालूम नहीं हमको। कल से हमारा माल आ रहा है तो कल से कस्टमर भी आएगा, वो खुद लेकर जाएंगे। क्योंकि आज तो बिक्री अच्छी है, आज बिक्री अच्छी है, दाम भी अच्छी है, बाजार अभी टाइट ही है। माल दो मुकाम का माल खत्म हो चुका है ना, और एक मुकाम अभी बचा हुआ है दिल्ली, वो चलेगा तो उसके बाद वही थोड़ा एक आम मिलेगा खाने के लिए। तो अभी कहाँ से आएगा आपके पास आम? दिल्ली से आएगा। दिल्ली से आम आएगा? दिल्ली से भी आम यहाँ आता है? हाँ, दिल्ली से आता है, यूपी सहारनपुर। तो मतलब यूपी का आम हो गया ना? यूपी, वही यूपी सहारनपुर, वहाँ का माल आपके पास आता है। चलिए, कल आपके पास माल आएगा? हाँ, कल आएगा। चलो कल आएगा तो कल आपका माल भी देखते हैं और आपसे भाव भी लेते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद भाई साहब। तो ये आज का भाव था सभी तरह के आमों का, चाहे लंगड़ा हो, चौसा हो और दशहरी हो। अभी लोकल भी थोड़ा बहुत चल रहा है और यूपी भी चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या भाव रहेगा। लेकिन मौसम ऐसा अगर क्लियर रहा तो प्राइस बढ़ते ही जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।